नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं पांडे एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पोलरिटी टेस्टर कैसे बनाते हैं। कि यहां पर कोई भी सर्किट अगर दिया हो या वहां पर पॉइंट अगर इंडिकेट ना किया गया हो कि पॉजिटिव की साइड है, निगेटिव की साइड में है, तो वहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे, तो उसी के लिए मैंने एक ये वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। और इसमें मैंने पोलरिटी टेस्टर बनाया है कि अगर इसको हम उल्टा सीधा लगाएंगे तो ये हमें पोलरिटी बता देगा कि किस साइड से हमारा राइट साइड है और किस साइड रॉन्ग है, तो पॉजिटिव नेगेटिव इस प्रकार से पता लगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पोलरिटी टेस्टर बनाने के लिए हमें दो इस टाइप के स्केच ले लेने हैं जो मार्केट में आपको इजीली मिल जाएंगे, जो हमें कलर करते हैं इसमें यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर, तो इस टाइप का ले लेना है। देखिए, मैंने एक रेड और एक ब्लैक लिया है, तो इसके कैप जो है हमें निकाल लेना है और इनको हम खाली कर लेंगे। अंदर जो भी इनके अंदर रिफिल लगा होता है इसको हम खाली कर लेंगे। इसके बाद इसमें जो आगे से इसका पॉइंट है इसको भी रिमूव कर देंगे और इसको निकालेंगे। ये कैप अभी हम ओपन कर लेते हैं दोनों को और इसमें हम एक होल करेंगे। देखिए, तो कैप मैंने जो है ओपन कर लिया है दोनों को और इजीली ओपन हो जाएंगे, आप आराम से कर सकते हैं। और देखिए, इसका रिफिल हमें निकाल देना है, इसका हमें कोई काम नहीं, सिर्फ हमें इसके कैप जो है इसी का काम है, रेड और ब्लैक वाला है ये कैप है, इसमें हमें एक होल कर लेना है बीच में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम जो है मार्किंग कर लेते हैं और वहीं पे हम जो है इसको होल कर देंगे। पीछे से इसमें वायर डालना पड़ेगा क्योंकि हमें वैसे होल नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वायर डालेंगे तो इसमें होल करना पड़ेगा। और इसकी जो टेस्टिंग प्रॉप बनाने के लिए हमें इस टाइप की दो निडिल ले लेनी है, जो ज़्यादातर डेकोरेशन में माला बनाने के लिए प्रयोग की जाती है, उसी टाइप की हमें ये ले लेनी है। मार्केट से 2 रुपये 4 रुपये में मिल जाएगी आराम से, दो पीस आपको ले लेना है। और इसमें देखिए, पीछे जो यहाँ पे है दिया हुआ है इसका पॉइंट, यहाँ पे सोल्डिंग नहीं होता है जल्दी, सोल्डिंग आसानी से हो जाए इसको करने के लिए आपको जो पीछे इसमें होल दिया हुआ है वहाँ पर आप जो मोटर बाइंडिंग में वायर यूज़ किया जाता है 35-36 नंबर का, उसको आप इसके अंदर से फंसा के जो है वहाँ पे बाइंड कर लीजिए। उसके बाद उसको पॉलिश उसका रिमूव कर दीजिए जला करके, उसके बाद इस पर जब हम सोल्डिंग करेंगे तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट सुई पे जो है सोल्डिंग नहीं होता है। मैंने भी काफ़ी प्रयास किया पर नहीं हुआ, तो मैंने इसी तरीके से इसको किया है, आप भी इसी तरीके से कर लीजिए। पर हमें इसमें दो LED चाहिए होंगी, एक रेड कलर और एक ब्लू, आप कोई भी ले सकते हैं क्योंकि ब्लैक कलर आता नहीं, तो ब्लैक LED मिलेगी भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक और रेड, जो ब्लू और रेड कलर के लिए है, सॉरी मैं ब्लैक कलर बोल गया। तो इस LED में देखिए, जो नीचे जो कलर जो लगाया मैंने, ऊपर साइड में रेड है और नीचे साइड में जो ब्लू कलर की LED लगी ये हमारा माइनस पॉइंट है, और उसके जो लेग बड़ी लेग दिख रही है हमारी पॉजिटिव पॉइंट है। तो जो पॉजिटिव है वो हमारी जो रेड कलर का स्केच है इससे हम जोड़ेंगे, और इसमें देखिए जो निगेटिव पॉइंट है उधर साइड में हम एक 1K का रेजिस्टेंस लगा लेंगे। और देखिए, इसको अभी मैं LED को आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि इसको उल्टा सीधा जब करेंगे तो ये किस प्रकार से वर्क करेगा। जैसे ही मैं इसको LED को पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में और निगेटिव वाला निगेटिव में दे रहा हूँ, तब ये हमारा LED जो है ब्लू कलर का ग्लो कर रहा है। और जब इसको हम पलट कर लगाएंगे, देखिए मैं अभी इसको पलट कर लगा रहा हूँ, तो देखिए रेड कलर का LED जल रहा है, इसका मतलब अभी हम जो है रॉन्ग पॉइंट लगा रहे हैं। जो हमने इसमें पॉइंट बनाए हैं रेड को जो हमने निगेटिव कर दिया है और निगेटिव को पॉजिटिव, देखिए तो इस वजह से हमारा जो LED गलत ग्लो कर रहा था, मतलब रेड कर रहा था, इसमें हमने रॉन्ग सही पोजीशन में लगाया तो हमारा LED जो है ब्लू कलर का ग्लो कर रहा है। तो इसको अभी मैं जो पूरा तैयार कर लेता हूँ, उसके बाद भी आपको चेक करके एक बार दिखाऊँगा कि ये किस तरह से ग्लो कर रहा है। देखिए, बैटरी में ये जो पॉइंट दोनों तरफ दिए हुए हैं पॉजिटिव और निगेटिव, तो आप इसको जब उल्टा सीधा लगाकर जलाएंगे तो ये आपको पता लग जाएगा किस साइड से सीधा और किस साइड से उल्टा है। किसी भी सर्किट में अगर जहाँ पे मार्किंग नहीं किया होता है पॉजिटिव किस साइड है और निगेटिव किस साइड है, तो वहाँ पर आप इसको जो है देख सकते हैं आसानी से। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 1K का रेजिस्टेंस है, आपको लगा लेना है, क्योंकि इसको लगाने से 25-30 वोल्ट करीब ड्रॉप हो जाता है। अगर हम इसको 12 वोल्ट या 20 वोल्ट तक बैटरी का चेक करते हैं तो हमारी LED जो है जो हमारी डेड नहीं होगी और अच्छी कंडीशन में चलती रहेगी। तो देखिए, पॉजिटिव वाला लेग जो है हमने नीचे की तरफ मोड़ लिया है और यही जो है हमारे रेड स्केच की तरफ चला जाएगा ये वाला पॉइंट, और जो ऊपर की साइड में बचा हुआ है ये हमारा निगेटिव से जुड़ जाएगा। और इसमें हम सीरीज़ में जो है इसको रजिस्टेंस लगा देंगे जो 1K का रजिस्टेंस है,
आप देख सकते हैं ये वाला जो है पॉइंट, इसमें हम ब्लैक वाला ये जोड़ेंगे और इसी में जो है 1K का रेजिस्टेंस भी लगा देंगे। तो इसको अभी जो है हम कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। मैंने सही पोजीशन के लिए ब्लू कलर के LED को लिया है और रॉन्ग साइड पोजीशन पे अगर लगाएंगे तो रेड कलर का LED ग्लो करेगा। तो आप कोई भी कलर का LED ले सकते हो। और देखिए इस टाइप का हमें वायर लेना है क्योंकि बहुत पतला वायर लगाएंगे, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लगाना है। कंटिन्यूटी टेस्टर की तरह जैसे लगाया जाता है तो बहुत पतला ही ले लेंगे, जो डाटा केबल का होता है मैंने वही इसको छील लिया है। देखिए आप इसमें 4 वायर दिख रहे हैं, तो इसका जो है रेड वायर मैंने निकाल लिया है और इसी को हम इसमें कनेक्ट करेंगे। तो LED में अभी हम एक साइड में रेजिस्टेंस लगा लेते हैं जो हमारी निडल है, और इनके पॉइंट से आगे जो देखिए ये हैं तो इनको अभी हम निकाल लेते हैं, जो इसमें जो पॉइंट होता है स्केच का तो इसको निकाल देते हैं। उसी के अंदर से हम निडल को जो है डाल देंगे, तो हमारी निडल जो है ढीली भी नहीं रहेगी और ना ही हिलेगी, तो बिल्कुल अच्छा सा एकदम प्रॉपर बनेगा, बिल्कुल मजबूत टेस्टर बनेगा। आप बनाएंगे तो बिल्कुल अच्छा बनेगा और काफ़ी टाइम नहीं लगता इसमें, बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी आसानी से बन जाता है और सारे पार्ट मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। कोई भी पार्ट ऐसा मैंने यूज़ नहीं किया है जो आपको मार्केट में ना मिले, तो आप मार्केट से ले सकते हैं। स्केच वगैरह है जो हमारी कॉपी किताब की दुकान होती है तो वहाँ से मिल जाएगा आपको। और इसी तरह के देखिए जो इस तरह से हमें इसे फंसा लेना है और निडल में इसको डाल लेना है जो आगे स्केच का पॉइंट होता है, क्योंकि हमने जो पॉइंट होता है वो निकाल दिया है और पॉइंट की जगह पर हम इसमें निडल डाल लेंगे। तो इस तरह से हमें फंसा लेना है और जिसके पीछे पॉइंट है वहाँ पे हमें सोल्डिंग कर लेना है। एक साइड में LED का पॉइंट सोल्ड कर देंगे निडल पे और एक साइड दूसरी निडल पे हम जो है 1K का रेजिस्टेंस सोल्ड कर देंगे और रेजिस्टेंस से वायर जो लाकर हम LED के पॉइंट पर जोड़ देंगे। जब हम इसको बैटरी में जोड़ेंगे तब ये उल्टा और सीधा बता देगा कि किस साइड पॉजिटिव है और किस साइड नेगेटिव है, तो आराम से हमें पता लग जाएगा। आप अभी इसको जो है इस तरह से यहाँ पे डाल देंगे तो ये जो है पूरा निडल अंदर चला जाएगा। तो इसको मैं आपको डाल करके दिखाता हूँ। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं एक निडल पे मैंने रेजिस्टेंस को सोल्ड कर दिया है और एक निडल पे मैंने LED का प्लस पॉइंट को सोल्ड कर दिया है। तो ये जो बचा हुआ है ये दोनों आपस में पॉइंट ज्वाइंट करेंगे, जो LED का निगेटिव है और रेजिस्टेंस का जो पॉइंट दिख रहा है आपको ऊपर साइड में, तो इस साइड में हमें रेजिस्टेंस सोल्ड कर देना है। तो यहाँ यहाँ पे हम इसको वायर को सोल्ड कर देंगे और हमारा ये बनकर रेडी है। तो ये जो हमने कैप में होल किए थे तो इनको अभी हम डाल लेते हैं और एक गांठ मार लेंगे कि जिससे वायर जो है टूटकर बाहर ना निकल जाए, और इसको हम सोल्ड भी कर देंगे ताकि ये लूज ना रहे। तो इसको रेडी करके मैं आपको दिखाता हूँ और सोल्डिंग कर लेता हूँ इसको। आप देख रहे हैं जैसा कि मैंने इसमें वायर को सोल्ड कर लिया है और इसमें जो है एक रेजिस्टेंस पर जो सोल्ड कर दिया है और एक LED के माइनस पॉइंट पे। तो अब इन निडल को जो है हम स्केच के अंदर डालेंगे और ये जो कैप मैंने पहले से डाल ली है ताकि इसमें बाद में डालने में प्रॉब्लम ना हो, आपको डाल लेना इसी प्रकार से। और इसके बाद इसको हम जो है यहाँ पर देखिए इस प्रकार से कैप को ले आते हैं और गांठ जो है इसके अंदर हो जाएगी और इस कैप को अंदर तक बढ़ा लेना है। और इसके बाद इसको हम जो है निडल को स्केच के अंदर डालेंगे जिससे कि हमारी LED जब ग्लो करेगी तो वहाँ पे दिखता रहे और ये बिल्कुल प्रॉपर सही चले। तो इसको अभी मैं अंदर वहाँ पे डाल लेता हूँ। ये रेड कलर का स्केच जो है इसमें हम इस प्रकार से डालेंगे और LED को अंदर की तरफ प्रेस कर देंगे जिससे कि LED अंदर की तरफ हो जाए। लेकिन यहाँ पर इसमें एक प्रॉब्लम रहेगा क्योंकि हमने स्केच का कवर कट नहीं किया है, तो हमें LED जब ग्लो करेगी तो दिखेगा नहीं, तो इसको ग्लो करे तो हमें दिखे। तो इसको यहाँ पे हम एक कट बना लेंगे और उस कट को बना करके रेडी करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको किस प्रकार से जो है बनाना है। यहाँ पर जैसा कि मैंने स्केच में कट बना लिया आप देख पा रहे हैं, तो इसी प्रकार से हमें कट बना लेना है। ये देखिए मैंने बना लिया है कट को, और यहाँ पर जब हम LED को वहाँ से जब निडल को डालेंगे तो यहाँ पर LED हमारी दोनों आ जाएंगी और आसानी से हमें जब ग्लो करेगी LED तो हमें दिखता रहेगा। वैसे प्लास्टिक बहुत मोटा है ये, अगर इसको अंदर में रख देते तो हमें ये दिखाई नहीं पड़ता। तो अभी मैं इसको रेडी कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ LED बिल्कुल कैसे ग्लो करेगा अच्छे से एकदम। तो देखिए अभी जो है यहाँ पे LED बस मैं डाल रहा हूँ
और इसको आसानी से जो है पड़ जाएगी। तो देखिए हमें कुछ ही कुछ ही लेना है जिससे पीछे से प्रेस कर देंगे, क्योंकि LED हल्की टाइट है कि स्केच में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो आसानी से प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा हमें प्रेस नहीं करना है वरना LED भी हमारा जो है पॉइंट टूट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर LED आ गई हैं, ये देखिए जैसा कि दोनों LED हमारी आ चुकी हैं, तो एकदम ये रेडी हो चुका है। और इसका पीछे से हम कैप लगा देंगे तो ये हमारा रेडी हो जाएगा बिल्कुल। और फिर मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जो हम निडिल में पॉइंट लगा रहे हैं, ये जो स्केच में हमने पॉइंट निकाले थे तो उसमें जो पॉइंट लगा हुआ था तो उसके ऊपर जो कवर है उसी को हम इसमें लगा दें, ताकि जो हमारी निडिल है वो स्केच से हिलेगी नहीं और बिल्कुल फिक्स हो जाए, हिले नहीं, तो उसी लिए इसको हम लगा रहे हैं। तो आप इसको देखते रहिए, मैं इसको फिक्स कर दे रहा हूँ, आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने इसको बनाकर रेडी कर लिया है और बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो नीचे की साइड में जो LED हमारी है वो हमारी रेड कलर की है, ऊपर साइड में हमारी LED ब्लू कलर की है। तो देखिए ये बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है और इसको मैं अभी आपको टेस्ट करके भी दिखाता हूँ कि ये किस प्रकार से वर्क करेगा। तो देखिए मैं इसके वायर को लगा लेता हूँ पॉजिटिव वाला, जब पॉजिटिव में लगाएंगे तब हमारी ब्लू कलर की LED ग्लो करेगी, और अगर इसका जब वायर हम उल्टा लगाएंगे, देखिए अभी सही लग रहा है तो हमारी ब्लू कलर की LED ग्लो कर रही है। अब इसको देखिए जब हम वायर इसके पलट कर लगाते हैं तब जो हमारी LED है रेड कलर की ग्लो करेगी। देखिए माइनस वाला मैंने प्लस में लगाया है, प्लस वाला माइनस में लगा रहा हूँ, तब LED रेड वाली ग्लो कर रही है, ये देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये फिर से मैं दिखा रहा हूँ, एकदम उल्टा लगा रहा हूँ तो ये रेड कलर की LED ग्लो कर रही है। तो इस प्रकार से ये टेस्टर वर्क करेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपके दिल दिमाग में कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।